ज्योतिष जगत का जाना माना नाम आचार्य मनोज नैयर, जो कि अपनी भविष्यवाणियों के लिए पहले ही विश्व प्रसिद्ध हैं। अब तक उनके द्वारा की गई सैकड़ों भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उनसे अपना भाग्य जानने के लिए उनसे मिलते रहे। आपको बता दें कि आचार्य मनोज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं और बॉलीवुड से कई अभिनेता और अभिनेत्रियों, क्रिकेटर्स और साथ ही साथ कई खास लोगों के साथ मुलाकात कर चुके। यहाँ तक कि मनोज जी का राजनीतिक सफर भी काफी अच्छा रहा और कई राजनेताओं ने उनकी खास मुलाकात हो चुकी और मुख्यमंत्री के द्वारा भी आचार्य मनोज जी को नवाजा गया। उसी कड़ी में उन्होंने अप्रैल 27, 2020 सुबह 9:37 पर फेसबुक पर एक भविष्यवाणी की थी कि 15 जून से लेकर 30 जून तक देश में युद्ध की संभावना, अनेक भूकंपों के आने की संभावना और कई प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है। 15 जून की रात गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया गया और देश में भारत और चीन के युद्ध की संभावना बन गई। पूरा विश्व इस बात से सकते में आ गया कि 15 से 30 जून के बीच भारत सहित पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर तकरीबन 20 से अधिक भूकंप आए, जो कि आज तक के इतिहास में कभी इतने कम दिनों में इतने भूकंप इकट्ठे कभी नहीं है। आचार्य जी ने लिखा था कि कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में एक साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसके 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान को दी। आचार्य मनोज की भविष्यवाणी के ऊपर ज्योतिष जगत के बड़े बड़े महारथियों ने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली है। विश्व ज्योतिष संगठन के अध्यक्ष आचार्य अजय द्वारा इस भविष्यवाणी पर यह कहा गया कि सतयुग में तो हमारे ऋषि मुनि जो बात भी कहते हैं यह बात सच हो जाती थी, लेकिन आज के युग कलयुग में ऐसी भविष्यवाणी करना कोई अचंभे से कम बात नहीं है। उनका कहना है कि आचार्य मनोज जी जैसे ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के क्षेत्रों में एक उभरते हुए सितारे की तरह, जिनसे आने वाले ज्योतिष के विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने की बहुत आवश्यकता है। ज्योतिष जगत के अन्य कुछ लोगों का कहना है कि ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। आचार्य मनोज जी ने उनको एक करारा जवाब दे दिया, दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है कि किसी घटना से तकरीबन 1.5 महीना पहले उस घटना के बारे में फेसबुक पर पोस्ट कर देना और उसे सार्वजनिक कर देना। इस विषय पर हमने आचार्य मनोज जी से जब ये पूछा कि वो किस प्रकार से इतने समय पहले इतनी सटीक भविष्यवाणी करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए वो मैदनी ज्योतिष का प्रयोग करते हैं, संतान कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। उनका कहना है कि इसको करने के लिए कड़ी मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और एकाग्रता द्वारा इसे कोई भी कर सकता है। उन्होंने बताया भी कि कोई भी मेरी इस भविष्यवाणी को मेरी फेसबुक अकाउंट पर जाकर देख सकता है। उन्होंने बताया कि आगे भी वो इस भविष्यवाणी ऐसी ही भविष्यवाणियां करते रहेंगे। आचार्य जी का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि वो बिना किसी डर के अपनी भविष्यवाणी को सार्वजनिक करते हैं। इसका पूर्ण श्रेय वे अपने गुरुओं को और भगवान साईं बाबा जी को देते हैं।